मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1, -1, 2, 3। तो यहां हम इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप है, वी हैव टू राइट ए इज इक्वल टू आई ए। तो इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वी मे राइट ए इज इक्वल टू आई ए। सेकेंड स्टेप है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो ए की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पे ए मैट्रिक्स है 1, -1, 2, 3, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की लेंगे, तो दैट इज 1, 0, 0, 1 और ये वाला ए एज इट इज। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने एलिमेंट ए 1, 1 को यूनिटी बनाना है, बट यहां तो ये ऑलरेडी वन है तो ये वाला काम तो हमारा हो ही गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमें इस एलिमेंट को जीरो बनाना है यूजिंग दिस एलिमेंट और दिस रो। तो इस एलिमेंट को हम जीरो कैसे बना सकते हैं, ये 2 है तो 2 - 2 इज जीरो। तो यानी कि मैं यहां पे ऑपरेशन अगर लगाऊं, ये रो 2 है तो रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगा सकता हूं R2 - 2 times R1। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 tends to R2 - 2 times R1। अब यहां हमने फर्स्ट रो के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट रो को हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं, इधर भी फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लेते हैं। अब सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, यहां पे रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, ये वाला -2 एज इट इज। R1 का एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो है 1, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 - 2, सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एलिमेंट हमारा आ गया 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, रो 2 पे हमारा दूसरा एलिमेंट है 3, सो 3 - 2 एज इट इज। R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दैट इज -1, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 - -+2, तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, तो रो 2 का एलिमेंट है 0 - 2 टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 0 - 2 × 1 - 2, तो ये एलिमेंट आ गया आपका -2। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, R2 का एलिमेंट है यहां पे 1 माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, और R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो ये आ जाए आपका 1 - 2 × 0 इज 0, सो 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई यहां पे 1 - 1 = 5 इज इक्वल टू 1, 0 - 2, 1 × 8। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 1 हम कैसे बना सकते हैं, R2 का एलिमेंट है तो सिंपली इस एलिमेंट को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो वी कैन अप्लाई R2 tends to 1/5 times R2। तो इसका मतलब क्या है कि हमने R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो सबसे पहले रो 1 को यहां पे एज इट इज लिख लेते हैं, ये रो 1 को यहां पे एज इट इज लिख लेते हैं, और रो 2 के ऊपर ऑपरेशन क्या है कि 1/5 times R2, यानी कि रो 2 के हर एक एलिमेंट को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0, 5 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1, -2 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, 1 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1/5, और ये वाला a ये आ गया हमारा एज इट इज। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो यहां पे एलिमेंट है -1, तो ये 0 कैसे बन सकता है, सिंपली +1 करके, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम ये -1 + 1 यहां से करें मतलब कॉलम वाइज करें, या हम -1 + 1 यहां से करें मतलब रो वाइज करें। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे हम। हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, कौन सी रो में आ रहा है, ये रो 1 में आ रहा है, तो रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे R1 tends to R1 + R2। तो अब हमने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो दैट मींस रो 2 एज इट इज आएगी, तो ये रो 2 ये है ये यहां पे एज इट इज आ गई, यहां पे रो 2 ये है तो यहां पे ये एज इट इज आ गई। तो रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 का वो है 0, तो 1 + 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। सेकेंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, रो 1 के, तो रो 1 का
जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज माइनस वन प्लस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये यहां पे जीरो आ गया। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, यहां पे रो वन का एलिमेंट है वन प्लस एज इट इज, और ये है रो टू का एलिमेंट है माइनस टू बाय फाइव, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया वन माइनस टू बाय फाइव। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी फाइव, तो फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू इज थ्री, सो ये आ जाएगा थ्री बाय फाइव, तो यहां पे हमारे पास आ गया थ्री बाय फाइव। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रो वन का जीरो प्लस रो टू का एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है वन बाय फाइव, तो जीरो प्लस वन बाय फाइव दैट विल बी इक्वल टू वन बाय फाइव, तो वो वन बाय फाइव हमने यहां पे लिख दिया। तो अब यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो दैट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ ए, तो वी कैन राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव, वन बाय फाइव।